तक हम लोग 1000 क्वेश्चन सीरीज में क्वेश्चन 14 तक देख चुके हैं। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन 15 और आगे 16, 17, 18 देखेंगे आज हम लोग। और ये क्वेश्चन रिलेटेड होगा एरर से। ओके, टॉपिक 2 एरर्स हमने पढ़ा था थ्योरी में, अब उससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन आपको दिया गया है कि द टेम्परेचर ऑफ टू बॉडी मेजर्ड बाई ए थर्मामीटर आर, दो बॉडी का टेम्परेचर मापा गया एक थर्मामीटर से और वो टेम्परेचर कितना आया, T1 इक्वल्स 20 डिग्री सी प्लस माइनस 0.5 डिग्री सी। ओके, और सेकेंड टेम्परेचर क्या है, 50 डिग्री सी प्लस माइनस 0.5 डिग्री सी। मैं एक चीज़ बता दूं आपको, यहाँ पर स्मॉल T1 T2 का यूज किया गया है, कैपिटल इसलिए नहीं किया गया है क्योंकि कैपिटल जो होता है वो जब यूनिट केल्विन में होता है तब उसका रिप्रेजेंटेशन करते हैं। तो इन केस ऑफ सेल्सियस और फॉरेनहाइट आप स्मॉल का इस्तेमाल कर सकते हैं, बट जब आप केल्विन लेंगे तो हमेशा कैपिटल रखेंगे इसे। ओके, तो आगे देखते हैं, आगे क्या है, कैलकुलेट द टेम्परेचर डिफरेंस एंड एरर देयर इन, मतलब कि आप टेम्परेचर डिफरेंस बताएं और उसमें जो एरर है वो बताएं, यानी कि T2 में से T1 घटा लीजिए आप, T2 में से T1 घटाएंगे तो ये आप सिंपली घटा लीजिए, 50 माइनस 20 30 डिग्री सी। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं अगर कोई ए दिया गया है विथ एरर, बी दिया गया है विथ एरर, तो डिफरेंस क्या होगा, आप इसको सिंपली घटा दीजिए ए माइनस बी, और जो भी एरर आया है इंडिविजुअली इसको प्लस करके लिख दीजिए। ओके, चलिए, तो उसी तरह 50 माइनस 20 30 और प्लस माइनस क्या करेंगे आप, इन दोनों एरर को जोड़ देंगे तो 0.5 डिग्री सी प्लस 0.5 डिग्री सी क्या हो जाएगा, 0.5 डिग्री सी प्लस 0.5 डिग्री सी। आप एरर को कभी माइनस नहीं करेंगे, एरर ऑलवेज एडिटिव इन नेचर, एरर हमेशा जुड़ते हैं। ओके, सो ये कितना हो जाएगा, 30 डिग्री सी प्लस माइनस 1 डिग्री सी, और ये आपका आंसर हो गया। ओके, यानी कि जो टेम्परेचर डिफरेंस होगा वो मैक्सिमम होगा 31 और मिनिमम होगा 29। वो कब होगा, जब इसका टेम्परेचर जो T2 है ये 50 प्लस 0.5 होगा और ये जो है 20 माइनस 0.5 होगा, इन दैट केस आपको ये 31 मिलेगा। और जब ये प्लस होगा 20 प्लस 0.5 और ये माइनस होगा 50 माइनस 0.5, तब जब आप डिफरेंस करेंगे तो आपको मिलेगा 29। ओके, तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये तो क्वेश्चन था डिफरेंस निकालने के लिए। ओके, यह क्वेश्चन रिलेटेड है पावर लॉ से, जो हमने पावर लॉ देखा था तो हम देख चुके थे कि जेड इक्वल टू अगर दिया हुआ है ए टू पावर एक्स, बी टू पावर वाई और सी टू पावर जेड, इन दैट केस डेल्टा जेड बाई जेड यानी फ्रैक्शनल एरर इन जेड इक्वल्स, सो इस केस में डेल्टा जेड बाई जेड क्या होगा, डेल्टा जेड बाई जेड आपका होगा 4 इंटू डेल्टा ए बाई ए। ओके, फ्रैक्शनल एरर इन ए मल्टीप्लाइड बाई जो भी पावर है 4 प्लस 1/3 डेल्टा बी बाई बी प्लस, ये डिवाइड में है तो माइनस नहीं करेंगे आप, हम थ्योरी पार्ट में इसको डिस्कस कर चुके हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो आप जस्ट इसके पहले वाले वीडियो को देखें, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, सीट पर कुछ नहीं है तो 1 है तो ये हो जाएगा 1। ओके, 1 इंटू डेल्टा सी बाई सी, उसी तरह यहाँ हाफ है तो हाफ इंटू डेल्टा डी बाई डी। ओके, चलिए इसको हम एक जगह लिख देते हैं, अब ये टोटल क्या होगा, प्लस माइनस में होगा। चलिए तो फाइनल वैल्यू क्या होगी, प्लस माइनस 4 डेल्टा ए बाई ए, 1/3 डेल्टा बी बाई बी प्लस डेल्टा सी बाई सी, हाफ डेल्टा डी बाई डी, और ये आपका आंसर हो गया। ओके, एक चीज़ और, अगर इसमें पूछा जाए कि इसमें ए बी सी डी में किसके चलते किसके कारण सबसे ज़्यादा एरर प्रोड्यूस होगा जेड में, तो वह आंसर होगा जिसका सबसे ज़्यादा पावर होगा, यानी कि ए में अगर कुछ भी एरर आता है तो वो सबसे ज़्यादा एरर प्रोड्यूस करेगा जेड में। ओके, तो ये दोनों क्वेश्चन हो गए, आगे हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं और, तो इसको आप नोट करें। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। अब क्वेश्चन नंबर 17 रिलेटेड है सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड से, और सिंपल पेंडुलम को हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, ये आपका एक सिंपल पेंडुलम है, यह लेंथ जो यहाँ से यहाँ तक है वो सिंपल पेंडुलम की लेंथ कहलाती है। ओके, जो मेजर्ड वैल्यू ऑफ एल है वो यहाँ से यहाँ तक है, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, जो स्ट्रिंग की लेंथ है जो कि यहाँ से यहाँ तक होगी, दिस इज स्मॉल एल, दिस इज कैपिटल एल। ओके, और ये रेडियस आर है, तो एल जो होता है एल प्लस आर होता है, एल क्या है, स्मॉल एल, ये स्ट्रिंग की लेंथ है, स्ट्रिंग लेंथ। ओके,
आर रेडियस ऑफ बॉब। सो जो यहाँ एल लिया जाता है वो एक्चुअली यहाँ से इसके सेंटर ऑफ मास तक का डिस्टेंस होता है। ओके, सेंटर ऑफ मास, एक्चुअली ये रेडियस कहना गलत होगा, डिस्टेंस फ्रॉम अपर एंड ऑफ बॉब टू सेंटर ऑफ मास। ओके, अगर आप सेंटर ऑफ मास नहीं जानते हैं तो उसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। सेंटर ऑफ मास एक इमेजिनरी पॉइंट होता है, इट इज एन इमेजिनरी पॉइंट जहाँ पर सारा मास कॉन्सेंट्रेटेड माना जाता है। ओके, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे आगे काफ़ी डिटेल में, फिलहाल के लिए हम क्वेश्चन पर अपने आते हैं। तो ये जो लेंथ है वो दिया गया, आपको इन्फॉर्मेशन आपको मिली है कि ये 20 सेंटीमीटर है, 20.0 सेंटीमीटर, बट इसमें जो एरर है वो 1 मिलीमीटर का एरर हो सकता है, 1 मिलीमीटर यानी कि 0.1 सेंटीमीटर। ओके, उसी तरह जब टाइम का 100 ऑस्किलेशन का लिया गया तो 90 सेकेंड आया, यानी कि 100 ऑस्किलेशन के लिए टाइम पीरियड आया 90 सेकेंड, तो एक ऑस्किलेशन के लिए 90/100। समझ में आ रहा बात, ये पेंडुलम ऐसे ऐसे ऑस्किलेट करेगा तो इसको यहाँ से यहाँ जाने में, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ आने में जितना टाइम लगता है उसको वन टाइम पीरियड बोलते हैं। और वो ये ऐसे 90 टाइम्स करेगा और वो ऐसे 100 टाइम्स करेगा तो जो टाइम लग रहा है उसको 90 सेकेंड लग रहा है। और वो कैसे किया गया मेजर, तो रिस्ट वॉच से मेजर किया गया है, जो हाथ में हम घड़ी पहनते हैं, और रिस्ट जब आप मेजर करते हैं तो एक सेकेंड का आपको हमेशा एरर मिल सकता है। जैसे 50 सेकेंड हुआ है, 51 सेकेंड हुआ है, वो आप एग्जैक्ट नहीं बोल सकते हैं जब तक आप स्टॉप वॉच यूज ना करें। तो ऐसे केस में जो 90 सेकेंड था ये कितने ऑस्किलेशन के लिए था, 100 ऑस्किलेशन के लिए, और उसमें एरर कितने का मिला है आपको, एरर मिला है 1 सेकेंड का रिजोल्यूशन है उसका, मतलब कि 1 सेकेंड तक एरर मिल सकता है आपको, लिस्ट काउंट उसका 1 सेकेंड है, तो 1/100 होगा। क्यों, क्योंकि 100 ऑस्किलेशन करने में अगर 90 सेकेंड लगे हैं, अगर 100 ऑस्किलेशन करने में 90 सेकेंड लगे हैं तो एक ऑस्किलेशन करने में 90/100, और चूंकि ये एरर जो 1 सेकेंड का आया है वो 90 ऑस्किलेशन के लिए आया है, तो एक ऑस्किलेशन के लिए यानी कि वन टाइम पीरियड के लिए जो एरर आएगा वो भी 100 से डिवाइड होगा। सो इन दिस वे प्लस माइनस सेकेंड। ओके, और इसको आप क्या लिख सकते हैं, 0.9। ओके, प्लस माइनस 0.01 क्या होगा, ये सेकेंड में होगा। एक्चुअली ये जो एग्जांपल लिया गया है वो आपको आगे एक चैप्टर पढ़ना है उसमें जी का वैल्यू डिटरमाइन किया जाता है इस सिंपल पेंडुलम के थ्रू, और वो यहीं से पिकअप किया गया है। तो जैसा कि हम जानते हैं टी इक्वल टू होता है 2π√L/g। ओके, अगर आप इसका स्क्वायर कर देते हैं तो टी स्क्वायर इक्वल टू 4π², और ये क्या हो जाएगा, रूट खत्म हो जाएगा और आपको मिलेगा L/g, यहाँ कैपिटल L होना चाहिए। ओके, तो अगर आपको G की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ से आपको एक फॉर्मूला मिलता है, जी इक्वल्स 4π²L/t². ओके, यहाँ से आपको एक फॉर्मूला मिलता है जी के लिए। इस जी को जब हम कैलकुलेट करते हैं इस फॉर्मूला से तो आप देख सकते हैं कि ये तो कांस्टेंट है हमारा, ये एल और टी पर डिपेंड करता है। और अगर एल में एरर हो और टी में एरर हो, जैसा कि यहाँ पर है भी, एल में भी एरर है, टी में भी एरर है, तो जी में भी एरर आएगा। और वही आपको पूछा जा रहा है कि जी में कितना एरर होगा, उसकी एक्यूरेसी कितनी तक होगी, तो हम देखते हैं जी में कितना एरर आ सकता है। चूँकि ये मल्टीप्लीकेशन के रूप में, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन के रूप में, तो हम फॉर्मूला लेंगे मल्टीप्लीकेशन वाला और पावर लॉ के साथ जो था, डेल्टा जी अपॉन जी इक्वल्स जिस चीज पर डिपेंड कर रहा है 4π² कॉन्स्टेंट, ये वैल्यू चेंज नहीं होगी, पाई की वैल्यू हमेशा 3.14 होती है या 22/7 जो कि फिक्स है, तो ये डिपेंड करेगा डेल्टा L/L पे। ओके, तो फ्रैक्शनल एरर इन जी इक्वल्स फ्रैक्शनल एरर इन L प्लस, चूंकि यहाँ पर 2 है तो 2 आ जाएगा, पावर है जो मल्टीप्लाई हो जाएगा डेल्टा T/T। सो इन दिस वे वी कैन सी डेल्टा G/G इक्वल्स डेल्टा L/L प्लस 2 × ∆T/T। ओके, L डेल्टा L/L क्या है, फ्रैक्शनल एरर इन लेंथ, डेल्टा T/T क्या है, फ्रैक्शनल एरर इन टाइम, और डेल्टा G/G फ्रैक्शनल एरर इन G। ओके, तो चलिए आगे देखते हैं, डेल्टा G/G क्या मिलेगा आपको, डेल्टा L/L, डेल्टा L कितना है, ये वैल्यू जो है आपका एरर ये है 0.1 सेंटीमीटर, और ये कितना है 20 सेंटीमीटर। ओके, प्लस 2 × ये कितना है 0.01, और ये हो गया 0.9। गॉट इट,
चलिए सेंटीमीटर सेंटीमीटर, ये सेकंड सेकंड था, कैंसिल हो गया। ये हो जाएगा आपका 1/200, और ये कितना होगा, 2 × 90। ओके लेट मी सी कि सही है कि नहीं, ये पॉइंट के बाद 10, सो 1/90। ओके 2/90। और जब हम एलसीएम करेंगे इसका, एलसीएम करने की जरूरत नहीं है, इसकी वैल्यू होगी 0.005। ओके और इसकी वैल्यू हो जाएगी, अगर आप 10^-2 लेते हैं तो 0.0218, और फिर आपको 2 मिलेगा, फिर 18 मिलेगा, 0.022। ओके चलिए, तो ये आपका एरर हो गया इसमें 5 to 7, और ये 2, ये 0.0027 का। सो फ्रैक्शनल एरर इन जी क्या मिला आपको, 0.027। ओके बट हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि व्हाट इज द एक्यूरेसी इन डिटरमिनेशन ऑफ जी, तो जब ऐसा टाइप का क्वेश्चन हो तो समझिए आपको ये पूछा जा रहा है परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर वेरी सिंपल है, हम जानते हैं परसेंटेज एरर इन जी क्या हो जाएगा, सिंपली जो भी फ्रैक्शनल एरर है इनटू 100%। फ्रैक्शनल एरर कितना है, 0.027 इनटू 100%, और ये कितना होगा, ये 100 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 2.7%। सो आपको मिला परसेंटेज एरर इन जी 2.7%, यानी कि जो भी जी की वैल्यू आप डिटरमाइन करेंगे फ्रॉम दिस फॉर्मूला, जब आप एल की वैल्यू 20 रखेंगे और टी की वैल्यू आप रखेंगे 0.9, और पाई स्क्वायर और पाई की वैल्यू 3.14, तो पाई स्क्वायर 9.86 होता है अराउंड। तो जब इस सारी वैल्यू रखेंगे आप, मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी वैल्यू आएगी जी की, उसमें जो एरर होगा बिकॉज की एल में एरर है और टी में एरर है, उसके कारण जो एरर आएगा वो होगा 2.7%। ओके तो जब आप जी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे इस फॉर्मूला से, अब आपको लगभग 10 आएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि जी की वैल्यू 9.81 होती है, मोर प्रिसाइजली 9.806 होती है। ओके तो ये लगभग अगर 10 आता है तो जो एरर आएगा जी में वो कितना होगा, 2.7%, यानी कि 2.7% ऑफ 10, अगर जी की वैल्यू 10 आती है इस फॉर्मूला से, तो जो फाइनल जी की वैल्यू होगी वो आप लिखेंगे 10 प्लस माइनस 2.7% ऑफ 10, और 2.7% ऑफ 10 कितना होता है, 0.27 होगा, 27। तो जो जी की वैल्यू आएगी फाइनल वैल्यू वो कितनी होगी, पॉइंट टू सेवन घटा लीजिए, एक बार बढ़ा दीजिए, तो ये हो जाएगा 9.73 से जी की वैल्यू वैरी करेगी 10.27 तक। सो होप यू गेट इट, ये तो मैंने एग्जांपल के लिए लिया था, हो सकता है आपको ये वैल्यू 10 ना मिले, ये राउंड आपको 9.9 मिलेगा, तो ये कुछ डेटा चेंज होगा, बट डोंट वरी, हमें केवल एक्यूरेसी निकालनी थी यहाँ पे, क्योंकि परसेंटेज हम निकाल चुके हैं, इससे हमें मतलब नहीं है, और ये आपको कभी पूछा भी नहीं जाएगा इतना डिटेल में जाकर। मैंने बताया भी था कि जब भी पावर वाला फॉर्मूला आएगा आपको मैक्स जनरली परसेंटेज एरर ही पूछा जाता है। ओके तो इसको आप नोट करें, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 18। ओके तो लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 18। अब क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि एक फिजिकल क्वांटिटी पी है जो कि ए बी सी डी पर डिपेंड करती है, और वो डिपेंड करती है कुछ इस कदर, और आगे दिया गया है कि अगर ए बी सी डी में परसेंटेज एरर 1, 3, 4 और 2% का है तो पी में कितना परसेंट का एरर आएगा। ओके तो हम जानते हैं फॉर्मूला से, ये सॉल्यूशन होगा हमारा, हम जानते हैं कि अगर कोई क्वांटिटी पी है, अगर वो ए पे बी पे सी पे और डी पे डिपेंड करती है, तो डेल्टा पी बाई पी होता है एक्स इंटू डेल्टा ए बाई ए प्लस वाई इंटू डेल्टा बी बाई बी, ओके जेड इंटू डेल्टा सी बाई सी प्लस एम इंटू डेल्टा डी बाई डी। हम क्या करते हैं, जस्ट पावर को उतारते हैं और जो भी क्वांटिटी है उसका फ्रैक्शनल एरर ले लेते हैं। सो उसी तरह, क्योंकि यहाँ पी जो है डिपेंड कर रहा है ए बी सी डी पर, हम मैंने कैपिटल दिया था फॉर्मूला में, यहाँ पे स्मॉल दिया हुआ है, और एक्स की वैल्यू क्या है, 3 है, वाई की वैल्यू 2 है, जेड की वैल्यू 1/2 है, और एम की वैल्यू कुछ नहीं है, तो यहाँ 1 है, और इसको हम पुट करेंगे और हमें आंसर मिल जाएगा आसानी से। सो इसको अगर हम देखें यहाँ पर, तो डेल्टा पी बाई पी क्या होगा फॉर दिस क्वेश्चन, 3 इंटू फ्रैक्शनल एरर इन ए
प्लस टू इंटू फ्रैक्शनल एलिमेंट बी। रूट का मतलब होता है पावर में हाफ, यानी कि रूट सी का मतलब हुआ सी टू पावर हाफ, तो पावर हाफ है तो हाफ उतर जाएगा यहाँ पे, और ये डेल्टा सी बाई सी प्लस यहाँ कुछ नहीं है तो पावर वन है, तो वन इंटू डेल्टा डी बाई डी। ओके चलिए, तो ये हुआ फ्रैक्शनल एरर, हमें चाहिए परसेंटेज एरर, तो इसी को आप क्यों लिख दीजिए, परसेंटेज एरर इन पी इक्वल्स परसेंटेज एरर इन ए, और इसमें कितना से मल्टीप्लिकेशन है, थ्री से मल्टीप्लिकेशन है, तो इंटू थ्री कर दीजिए आप, या इसको पहले लिख लीजिए अच्छा रहेगा। उसी तरह टू इंटू परसेंटेज एरर इन बी प्लस हाफ इंटू परसेंटेज एरर इन सी प्लस वन इंटू परसेंटेज एरर इन डी। ओके चलिए, थ्री इंटू परसेंटेज एरर इन ए दिया हुआ है आपको, ए बी सी डी में एरर है 1, 3, 4, 2 का, यानी ए में एरर 1% का है, तो यहाँ लिख दिया मैंने 1%। बी में एरर कितना है, 2 इंटू बी में एरर 3% है। सी में एरर कितना है, तो सी में एरर 4% का है, और डी में एरर 2% का है, तो यहाँ 2%। ओके तो होप कि यहाँ तक कोई आपको प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। 3 इंटू 1 3%, 6%, ये 2% एंड ये 2%, 6 + 3 = 9 + 2 = 11 + 2 = 13%। तो इसका तरह हमें पी में एरर कितना मिला, 13% का। तो हमने देखा कि क्वांटिटी पी है जो कि डिपेंड करती है ए बी सी डी पर, और ए में एरर 1% का है, बी में एरर 3% का है, सी में एरर 4% का है, और डी में एरर 2% का है, तो हमें जो एरर पी में मिलता है ये मैक्सिमम एरर होगा। ओके कोई ज़रूरी नहीं कि इतना ही एरर मिलेगा, ये जो एरर्स थे आपको ये मैक्सिमम एरर काउंट किए गए थे, तो मैक्सिमम एरर जो पी में मिलेगा वो 13% तक का हो सकता है। समझ में आ रही है बात, अगर पी की वैल्यू 100 आती है सपोज टोटल कैलकुलेशन करने के बाद, तो उसमें जो एरर होगा वो 13 तक का हो सकता है, यानी कि 100 + -13, तो ये काफ़ी बड़ा एरर है, 13% का एरर। तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया, अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 19। सो लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 19। और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के बारे में बात की गई है कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर कैपिटल आर, मतलब ये रेजिस्टेंस, ये है रेडियस, डिवाइडेड बाई एल। और आपसे पूछा गया है कि अगर आर की वैल्यू, स्मॉल आर की वैल्यू, कैपिटल आर की वैल्यू और एल की वैल्यू दी गई हो, तो एरर कितना आएगा रो में। हम जानते हैं कि अगर इसमें एरर आएगा, इसमें एरर आएगा, तो इसमें भी एरर आएगा, और वो कितना एरर होगा। तो अगर परसेंटेज कैलकुलेट करें तो परसेंटेज एरर इन रो क्या हो जाएगा, पाई तो कांस्टेंट है उसमें कोई एरर नहीं आएगा, ये फिजिकल क्वांटिटी है, इसमें एरर दिया गया है, तो ये होगा ये 2 इंटू पावर जो भी आएगा मल्टीप्लाई में, 2 इंटू परसेंटेज एरर, इस बार मैं फ्रैक्शनल नहीं ले रहा हूँ क्योंकि फ्रैक्शन की ज़रूरत नहीं है मुझे, एरर प्लस 1 इंटू परसेंटेज एरर इन कैपिटल आर यानी कि रेजिस्टेंस, प्लस 1 इंटू यहाँ भी पावर 1 है, 1 इंटू परसेंटेज एरर इन एल। ओके 2 इंटू परसेंटेज एरर इन आर, आर में कितना परसेंट का एरर आ रहा है, तो परसेंटेज एरर इन आर हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, उसी तरह परसेंटेज एरर इन कैपिटल आर भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, और परसेंटेज एरर इन एल भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, वो हम इधर कर लेते हैं। सो परसेंटेज एरर इन आर डेल्टा आर बाई आर इंटू 100%, फ्रैक्शनल एरर आर में को मल्टीप्लाई कर देंगे हम 100% से। सो ये डेल्टा आर है और ये आर दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा 0.2 × 0.0, ये हो जाएगा 0.2 / 0.24, और ये तो 85% हो जाएगा, काफ़ी ज़्यादा होगा, इतना एरर नहीं होता है, तो आई थिंक हमने मिस्टेक की है, ये 0.02 होना चाहिए। ओके सो दिस इज 0.02, तो डेल्टा आर की वैल्यू 0.02 है, इसकी वैल्यू 0.24 है, तो आप यहाँ रखेंगे 0.02 और यहाँ पर रखेंगे 0.24। ओके और ये 100%, गॉट इट। जब इसको आप करेंगे 2, ये पॉइंट कट जाएगा आपका, 2 × 24 / 100%, ये कितना मिलेगा आपको, 200/24। ओके और यहाँ पर आपको अप्रोक्सीमेट एरर पूछा गया है नियरली, तो आप इसको नियरली वैल्यू यहाँ ले सकते हैं, और 24 × 8 कितना होता है, 192। ओके तो ये 8% लगभग आएगा एरर, तो ये एरर हो गया आपका 8%, तो हमें इसका मिल वैल्यू मिल गया 8%। ओके और आप आंसर यहीं से कर सकते हैं, क्योंकि 8 × 2 = 16%, यहीं पे एरर मिल गया, और बाकी सारा ऑप्शन में आपको 16% से ज़्यादा एक ही है 20%, तो वो आंसर होगा आपका। ओके तो आगे हम चेक कर लेते हैं इसको, अब हम क्या निकालेंगे,
परसेंटेज एरर इन कैपिटल 1/30 इंटू 100%, और ये आपको लगभग मिलेगा 3.3%। ओके, तो ये आपको मिल गया 3.3%। तो 1 × 3% हम अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लेते हैं, और नेक्स्ट क्या निकालना है, परसेंटेज एरर इन लेंथ। तो ये कितना होगा, 0.01/4.80, ये हो जाएगा 1/480, 100 से मल्टीप्लाई होगा यानी 100/480, और ये काफ़ी छोटा आएगा वैल्यू, ये अप्रॉक्सीमेट आपको 0.2 मिलेगा। सो दिस इज 0.2%। ओके, सो दिस इज 0.2%। तो आप एक काम कीजिए, इसको भी आप ले लीजिए, 3.3 था आपका एग्जैक्ट, 3.3%, ये 0.2% हो गया, और यहाँ पे आपको जो वैल्यू मिल रही थी 8%, अगर इसका एक डेसीमल और बढ़ते हैं आप, तो ये होगा 24 × 8 = 192, 8 बचेगा आपके पास, और ये मिलेगा 24 × 3 = 72, तो ये हो जाएगा 8.3% अप्रॉक्सीमेट। सो यहाँ पे 8.3% कर लीजिए आप इसको, सो ये वैल्यू हो गई 8.3 × 2 कितना हो गया, 16.6% प्लस 3.3% प्लस 0.2%, सबको आप जोड़ेंगे अगर तो विच इज़ नियरली 20%, और ये आपका ऑप्शन डी है। तो ये आंसर हो गया यहाँ पर, बट इसको आप ये बाकी कैलकुलेशन करे बिना भी निकाल सकते थे, जैसे मैंने बताया यहाँ पर कि जब हम यहीं पर ले रहे थे 8% अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, तो ये 16% हो जा रहा था, और बाकी एरर जोड़ेंगे तो कुछ ना कुछ बढ़ेगा ही 16% में, और एक ही वैल्यू है जो 16% से ज़्यादा है, जो 20% है, तो आपका आंसर यहीं पर हो जाता। ओके, इसके बाद एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, प्रोपेगेशन ऑफ एरर से रिलेटेड, और उसमें हम सारे कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे जो अब तक हमने पढ़ा, तो इसको आप नोट करें, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, और इसमें बोला गया है कि फिजिकल क्वांटिटी है जिसका मेजरमेंट किया गया तो आपको ये डिफरेंट वैल्यूज मिली, और इसमें कोई यूनिट नहीं दिया गया है, तो हमें पता नहीं कि लेंथ को मेजर किया गया है या मास है कि टाइम है क्या है, हमें ये नहीं पता, तो कुछ मेजरमेंट होगा, कोई फिजिकल क्वांटिटी होगी जिसमें 5 वैल्यू मिली। तो इसको अगर हम A1 मान लें, तो A1 इक्वल टू गिवेन है आपका 1.51, A2 गिवेन है 1.53, A3 गिवेन है 1.53, A4 गिवेन है 1.52, एंड A5 गिवेन है 1.54। ओके, और हमें पूछा गया है कि चारों ऑप्शन कौन कौन सही है, पहला ऑप्शन बोलता है आपको एब्सोल्यूट एरर निकालिए, सेकंड रिलेटिव एरर, थर्ड परसेंटेज एरर, और चौथा ही परसेंटेज एरर है, इन दोनों में एक सही होगा कोई, तो हम देखते हैं 1/1। हम जानते हैं कि एरर क्या होता है, एरर होता है ट्रू वैल्यू, और अगर ट्रू वैल्यू नहीं दी गई हो तो आप एवरेज वैल्यू निकाल लेंगे इसका, माइनस मेजर्ड वैल्यू। ओके, तो अगर डेल्टा A1 निकालते हैं, डेल्टा A1 मतलब एरर इन A1, तो ये कितना होगा, ट्रू वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू क्या होगा, इन सभी का एवरेज, एवरेज क्या होगा, आप प्लस करेंगे 134 प्लस 37 प्लस 29 प्लस 4 13 156 511 516 521 526 2 3 4 5 6 7 सो 7.63/5, और ये आपको मिलेगा ए एवरेज। ओके, ए एवरेज यानी कि यही ट्रू वैल्यू होगी, ये कितना आएगा आपका 15 × 5 75 1 5 × 2 10 6 सो 1.526। ओके, और तो इसको अगर राउंड ऑफ करते हैं हम, चूँकि ये सारे डेटाज जितने पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक हैं, तो इसको भी 2 डिजिट करेंगे हम। अब मैंने बताया था अगर यहाँ पर 5 से ज़्यादा हो तो आप एक बढ़ा देते हैं, यानी कि 5 तक आएंगे, ये एक से ज़्यादा इसको इरेज करना है तो ये 3 हो जाएगा। इसको हम राउंड ऑफ में देखेंगे भी, आगे हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक में। सो 1.53, तो ये मिलेगा हमें 1.53 माइनस 1.51, और ये कितना मिला आपको, ये मिलेगा 0.02। उसी तरह डेल्टा A2 1.53 माइनस 1.53, तो ये आपको मिला 0 एरर, और जिसने मेजर किया बहुत सही मेजर किया है। ओके, 1.53 × 1.53 ये भी 0.00। डेल्टा A4 कितना दिया गया आपको, A4 आपको 1.52 दिया गया है, तो इसमें आपको एरर मिलेगा 0.01 का। और डेल्टा A5 1.53 माइनस 1.54, और इस बार आपको नेगेटिव मिलेगा माइनस 0.01। तो ये हुआ हमारा इंडिविजुअल एरर्स, हमें निकालना है एब्सोल्यूट एरर, तो एवरेज एब्सोल्यूट एरर, तो एवरेज एब्सोल्यूट एरर क्या होगा, इन सभी का सम, यानी कि सिग्मा ऑफ मॉडुलस ऑफ ऑल एरर्स डेल्टा ए आई, और आई वेरी करेगा यहाँ पर 5 वैल्यूज है तो 1 to 5 डिवाइडेड बाई 5, ये सॉरी यहाँ पे ये होगा 1 to 5। ओके, तो इस पर आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली क्या कीजिए, 5 का सम कीजिए पॉजिटिव वैल्यू लेकर, ये मॉड का मतलब पॉजिटिव होता है, तो पहली वैल्यू रखेंगे हम 0.02 प्लस 0.00 प्लस 0.00 प्लस 0.01 और अगेन 0.01, ये नेगेटिव नहीं लेंगे हम, पॉजिटिव ही लेंगे, डिवाइडेड बाई 5। ओके, 2 + 1 = 3 + 1 = 4, सो ये मिला 0.04
डिवाइडेड बाई 5, और ये अप्रोक्सीमेट हो जाएगा, अप्रोक्सीमेट नहीं एग्जैक्टली होगा एक्चुअली, ये हो जाएगा 0.008। ओके, और अगेन अगर हम इसको करते हैं पॉइंट के बाद 1 डिजिट तक, तो इसको आप लिख सकते हैं 0.10, और पॉइंट के बाद आप 0 डिजिट आता है तो उसमें आप 0 हटा सकते हैं, सो ये आपको मिल गया 0.01। सो इन दिस वे एवरेज एब्सोल्यूट एरर क्या मिला, 0.01, एवरेज एब्सोल्यूट एरर 0.01, ये सही है। देखते हैं रिलेटिव एरर, तो रिलेटिव एरर निकालते हैं हम, उसके पहले मुझे इरेज करना होगा, आप इसको नोट कर लें एक बार क्वेश्चन को। तो चलिए, तो आगे क्या निकालना है हमें, रिलेटिव एरर। तो रिलेटिव एरर क्या होगा, डेल्टा ए क्या होगा, एवरेज एब्सोल्यूट एरर, और ए क्या होगा, एवरेज वैल्यू जो भी आपने लिया था अभी तक का। ओके, सो डेल्टा ए का वैल्यू आपको मालूम है 0.01, सो 0.01 डिवाइडेड बाई ए, ए क्या है, एवरेज वैल्यू ऑफ ऑल दिस डेटाज, और एवरेज वैल्यू हमें मिला था 1.53, सो दिस इज 1.53। ओके, तो इसको अगर आप रिलेटिव एरर निकालते हैं तो ये हो जाएगा 1/153। ओके, और इसकी वैल्यू होगी अप्रॉक्सीमेट 15 × 7 = 105 होता है, 15 × 6 90 होता है, तो ये अप्रॉक्सीमेट आपको मिलेगा 0.067। ओके, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। सो परसेंटेज एरर, तो ये हुआ रिलेटिव एरर, तो रिलेटिव एरर मिला 0.067, यहाँ बोला जा रहा है 0.01, अगर इसका आप राउंड ऑफ करते हैं तो 0.01 मिल जाएगा ये, ठीक है, और इसको राउंड ऑफ करते हैं तो ये 0.01 मिल जाएगा, क्योंकि 67 है, इसको 100 लिख सकते हैं आप, तो ये भी वैल्यू हो सकता है अगर अप्रॉक्सीमेट दिया गया हो तो। नेक्स्ट परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर कुछ नहीं करना है आपको, परसेंटेज एरर इक्वल्स रिलेटिव एरर इनटू 100%। रिलेटिव एरर कितना है, 0.01 इनटू 100%, सो ये हो जाएगा 1%, ठीक है, तो ये 1% आंसर हो जाएगा। तो ये आंसर गलत हो गया, परसेंटेज एरर 0.01% नहीं होगा, ये 1% होगा। तो इस तरह हमने चारों ऑप्शंस देख लिए, ए बी डी सही है, और हमने 5 क्वेश्चंस भी देख लिए, प्रोपेगेशन ऑफ एरर्स रिलेटेड 5 देखा या 6 देखा, 14 × 5 = 16, आई थिंक 6 क्वेश्चन देख लिए हमने, तो हमने 6 क्वेश्चन देख लिए प्रोपेगेशन ऑफ एरर्स रिलेटेड, और आई होप कि आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरह क्लियर हो गया होगा इससे रिलेटेड। और एक बार जब हम लोग ये टॉपिक टोटल कंप्लीट कर लेंगे एरर टॉपिक, जिसमें अभी हमें पढ़ना है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स जस्ट लाइक वर्नियर कैलिपर, स्फेरोमीटर डैट मीन्स माइक्रोमीटर, और आपको पढ़ना है सिग्निफिकेंट फिगर, देन राउंडिंग ऑफ है, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है, तो जब ये हम सब कंप्लीट कर लेंगे तो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। ओके, और आप देखेंगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन काफ़ी आसानी से बनेंगे, चाहे वो क्वेश्चन जेईई मेंस के हो, या एनडीए का हो, या नीट का हो, या फिर अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम के हो, बस आपको कुछ एडवांस के जो क्वेश्चन होते हैं जेईई एडवांस के, वो लिटिल बिट और कॉन्सेप्चुअल होते हैं, उसमें 3-4 थ्योरीज को एक जगह कंपाइल किया जाता है, तो उस क्वेश्चन में थोड़ा कॉन्सेप्ट लगेगा और, ठीक है, उसके लिए थोड़ा और आपको और पढ़ना होगा, बट अप टू द जेईई मेंस क्वेश्चंस आप आसानी से कर सकेंगे। सो इसको आप नोट करें, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में थ्योरी पार्ट के साथ, और हम लोग देखेंगे आई थिंक सिग्निफिकेंट फिगर और राउंडिंग ऑफ, तो इसको आप नोट करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, टेक केयर।